उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर की ग्राम पंचायत बेगपुर मुंडा के ग्राम प्रधान से 5,000 की रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुई विकास खंड हसनपुर में मनरेगा विभाग में तैनात अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी शालिनी यादव की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। बता दें कि ग्राम पंचायत में प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों के भुगतान की फाइलों की परमिशन व फाइलों पर साइन करने के लिए प्रधान से 8% कमीशन लेने के चक्कर में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए महिला अधिकारी कैमरे में कैद हुई थी। ग्राम पंचायत बेगपुर मुंडा प्रधान से विकास खंड अतिरिक्त पद पर तैनात शालिनी यादव ने मस्टर रोल पर सिग्नेचर करने के लिए 5,000 का कमीशन लिया और इस बात की ग्राम प्रधान ने वीडियो भी बना ली। ग्राम प्रधान ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की और बताया कि उक्त महिला अधिकारी शालिनी यादव के द्वारा 30,000 को रकम मांगी गई थी। प्रधान ने मजबूरन 5,000 दिए और बाकी के पैसे बाद में देने की बात कही। कई फाइलों पर शालिनी यादव ने रिश्वत के रुपए नहीं मिलने पर उन्होंने कई फाइलों के मस्टर रोल 2 बार के 0 कर दिए गए थे। 3 माह पूर्व कार्य पूर्ण कर चुके हैं, बचा हुआ कमीशन न देने पर फाइलों पर सिग्नेचर नहीं कर रही है। मनरेगा में काम करे हुए मजदूरों का भी पेमेंट नहीं हो रहा है। ब्लॉक हसनपुर में इस महिला द्वारा हो रहे ग्राम प्रधान इस भ्रष्ट महिला से परेशान होकर ग्राम प्रधान ने उसकी वीडियो बना ली और जिलाधिकारी से पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर संज्ञान लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने महिला अधिकारी को सेवाएं समाप्त कर दी। और उसकी जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मेरी अरे वो टीम गई आज जांच की, फिर कभी किसी को फोन करना पड़ रहा है, कभी किसी को, एक एक घंटे मेरा नंबर उठा। मैं अपने गांव में ही गई है, भदौरे में गई है, शौचालय होगी, गांव विकास के कार्य होगी, कई जगह गई है। उसमें आज तो आप वीडियो साहब आए ना भाई, तो क्या हिसाब है फिर अपना, क्या कैसे हो इन तीनों फाइलों की परमिशन? इंटरलॉकिंग वाली कब कर लूँ? आज आएंगे, कल आएंगे, फिर कल करवा लियो। कच्चे की तो होने की ना, जो 5 हैं मिले, 5 3 आज पूरे काम नहीं पता है। मैं सुबह सती गाड़ी आई है सवेरे, मैं एक मौत में चला गया था, हाँ, तो वहाँ से ही ले आया हूँ गाड़ी सवेरे। चलो कर्मचारी का जो है महिला कर्मचारी उसका एक वीडियो बना लो सर, क्या है पूरा मामला? मनरेगा कर्मी श्रीमती शालिनी की शिकायत प्राप्त हुई है और इस शिकायत के आधार पर समिति द्वारा इनकी सेवाएं समाप्त किए जाने के निर्णय लिया गया। अगर आपने अभी तक हमारा समर इंडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक समाचार सबसे पहले आप तक पहुंचे।